और आप ये कह रहे हैं बड़ा सख्त इम्तिहान है, बड़ा सख्त इम्तिहान है। फरमा दे नहीं वो कीम वो इंदर आका मैं आपके साथ रहूंगा। चीखें निकल गई, आहे बुलंद हुई। देखिए सीरत इब्ने हिशाम ये वाकया लिखता है वहां पर, कहते हैं तेरी जुदाई में तेरी कौम का क्या हाल है, तेरी माँ तो रो रो कर हलकान हो गई है। गौर करो, अच्छी तरह सोचो। वो कहता है नहीं बाबा आपको पता नहीं है, आप नहीं जानते, मैंने अपनी आंखों से इस अजीम हस्ती के, इस पाकबाज हस्ती के साथ चंद साल खिदमत के दौरान जो फजाइल देखे, जो शमाइल देखे, जो खसाइल देखे, जो आदात देखी, जो अतवार देखे, जो अखलाक देखे, जो अमाल देखे, खुदा की कसम आपने उनको नहीं देखा है। मैं इनके कदमों में मरना चाहता हूं, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरज़ू है। मैं तो ये मेरी ख्वाहिश है कि उनके कदमों में मेरी जान निकल जाए। मैंने अहमद मुज्तबा सईद दो जहां के जो खसाइल शमाइल फजाइल आदात अतवार देखे, खुदा की कसम किसी और में नहीं देखे। आखिर सीरत थी ना, आखिर सीरत थी और बेमिसाल सीरत थी। सीरत की महफिल भी है। मैंने आप हजरात के सामने दो बीवियों और एक गुलाम जो घर के अंदर खादिम है, घरेलू खादिम है, उनकी शहादतें पेश की कि आका की सीरत कैसी थी। बस ये तो ऐसा मौजू है जो खत्म होने का नाम तो नहीं लेगा। मैंने दो साल पहले अपनी मस्जिद में सीरतुल नबी में तीन महीने सीरत बयान करता हूं, सफर रबीउल अव्वल और उसके बाद वाले भी। तीन साल हो गए हम सिर्फ हिजरत तक पहुंच चुके हैं, हर जुमा बयान होता है तीन साल में, तो इस थोड़ी सी महफल में मैं क्या बयान करूंगा। ये तो आप लोग खुदा की कसम, हम मदारिस में जाते हैं, बहुत मकामात पर जाते हैं, लेकिन जो रूहानी तस्कीन और जो खुशी मुझे यहां आकर होती है दूसरा साल है, इसलिए कि वहां पर तो सारे तलबा होते हैं, ऐसे तालीम याफ्ता लोग, और ये डीन साहब की और डॉक्टर साहब की ये पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा है, जो हम बहुत दूर से यहां आते हैं और बहुत खुशी महसूस होती है इन महफलों में। हदीस में आता है अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिसके साथ मोहब्बत करे उसके साथ होगा इंशाल्लाह उनका हशर, आप तमाम हाजिरीन का हशर। इस पुरफितन दौर में, इस मादपरस्ती के दौर में आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात सुनने के लिए अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात दे दे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो अब मैं इन चंद गुजारिशात पर इत्तेफाक करूंगा और आखिर में इन अशार के जरिए अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। होला को सलाम उस आका पर, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होला को सलाम उस आका पर, बुतला को जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, दरियाओं के रुख मोड़ दिए। होला को सलाम इस आका पर, बुतला को जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, दरिया